जिले के भरवेली के कुछ वार्डों में पीने के पानी एवं अन्य समस्याओं को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश दिख रहा है, जिसके चलते उन्होंने आज भरवेली सिवनी कैंप में चक्का जाम किया। यहां पानी की समस्या पिछले 4 महीनों से चली आ रही है। वहीं सरपंच और सचिव के पास इस समस्या को लेकर कोई भी जवाब नहीं है। क्या समस्या को लेके आप रोड पे हड़ताल कर रहे हैं सर? पानी का कितने दिन से है? हम लोग तीन चार महीना हो गया, हम लोग को पानी नहीं मिला है। पंचायत का ऑलरेडी पूरा तोड़फोड़ हो गया, पूरा नल वल कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे पानी की टंकियाँ है, बड़ी वाली लगवाई गई, सब कुछ जल योजना का जो भी हुआ है उसके बाद वो भी बंद कर दी है। शिकायत क्या, अब हम लोग वही ऐसे आते हैं, इधर उधर के घरों से पानी भरते हैं, लोग बाग गाली देते हैं वो सुनते हैं, दो गुंडी पानी ले जाते हैं पीते हैं उसको, अंदर है कुछ भी रहे, लोगों को पीने हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। किसी अधिकारी को अपने संज्ञान में डाले थे वाली बात, पानी नहीं भी दे दिए, कोई ध्यान नहीं दे रहा। पंचायत का तो कोई माई बाप है नहीं, और गाँव का भी कुछ माई उच्च अधिकारियों को आपने बताया है? उच्च अधिकारियों से शिकायत की है आप लोगों ने? उच्च अधिकारियों से शिकायत की है आप लोगों ने? सब कर दिए हम लोगों ने, कोई कार्रवाई नहीं होती। ये इस नगर में ना तो रोड, ना तो नाली, ना तो पानी, कुछ नहीं है। यहाँ का कोई माई बाप है ही नहीं है मोहल्ले का। अगर आपकी सुनवाई नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम निकली बर्तन लेके यही बर्तन है तो यही जान दे देंगे। आज जो समस्याओं को लेके जनता रोड पे आई थी पानी की समस्या लेके, इसमें क्या कहना चाहोगे? जनता का अभाव होना जरूरी है क्योंकि पानी की बहुत बड़ी समस्या है गाँव में, क्योंकि ये वाल 2.5 महीने से बंद पड़ा है और हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको सुधारने की। आज शाम तक जब जनता जब रोड में आई, जब उसका सुधार हो रहा है कि इससे पहले क्यों नहीं किया गया? इससे पहले भी किए थे, कोशिश कर रहे हैं, मगर क्या है सचिव की भी लापरवाही के वजह से ऐसा हो गया। सचिव आप मानते हैं कि सचिव साहब की लापरवाही है? दो बार टंकी मोटर जली, उसका बिल पास नहीं हुआ तो कैसा ही हो रहा है ना। मैडम जहाँ से पानी सप्लाई होता था वहाँ के भी पाइप चोरी करके काट के ले जा लिए गए हैं, FIR भी कराई गई है, कई बार पंचायत में दिया गया है लेकिन उसका निराकरण नहीं हुआ है। निराकरण कहाँ से होगा? ताल मेलिंग रहेगा सरपंच सचिव का, तो वहाँ से निराकरण। तो उस सचिव को मानते हैं आप? सचिव को मानते कि आज जो जनता रोड पे आई है पानी की समस्या लेके, इसमें क्या कहना चाहते हैं? इसमें है कि अभी तत्काल व्यवस्था हो जाएगी, अभी पानी वानी टैंकर। तो ये तो 3 महीने से समस्या बताई गई थी और आप बोल रहे हैं कि आज समस्या होगी कर, इतनी बड़ी पंचायतें हैं। आज जब जनता रोड पे आ गई है, जब आप समस्या का समाधान कर रहे हैं? मैं ये समस्या का समाधान एक दिन मना पहले हमने यहाँ से आवेदन जो लेकर के पब्लिक का, मैं तुरंत उसका नोटिस पुटअप कर दिया था। अब जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, है ना, जो सरपंच है, पंच है, उनको हमने व्यवस्था कराई है। बिल ला करके दीजिए। सरपंच महोदय का कहना है कि सचिव महोदय ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो डेली पंचायत में, मेरे पास कवेजरी भी है, मैं यहाँ जबकि भरपूर समय देता हूँ भरवली में। आपका तालमेल नहीं जम रहा है, इस कारण काम नहीं हो रहा है? गलत बात है, काम तालमेल नहीं जमते इतने सारे काम नहीं होते। तो 3 महीने से समस्या नहीं हुई फिर तो ये हम क्या सोचे? इस बीच में भी चर्चा होते रही, यहाँ वार्ड नंबर 1 का जो पंच संतोष ठाकुर है ना, उसको भी हमने बताया, यहाँ तक उप सरपंच को बताया यार वहाँ पानी समझ, मैडम के बताया, वो एक दो लोग फिर बोलने लगे इस बीच में, तो वो काम करवाओ करके। मोदी जी यहाँ पे पानी को लेकर के लोगों ने चक्का जाम किया था, उस समस्या का समाधान के बारे में पूछ रहे हैं। कल सुबह तक हो जाएगा, अभी हमने भाटी साहब से भी SDM साहब ने बात की है। भरवेली पंचायत में आज वार्ड नंबर 1 में पानी की सप्लाई पिछले कुछ दिनों से बंद है, जिसके कारण एक आंदोलन की कार्रवाई हुई थी। अब प्रशासन ने उस पर त्वरित कार्रवाई की है और सचिव को सरपंच को यह निर्देशित किया गया है कि किसी भी स्थिति में जनता को पानी की समस्या ना हो, उनके लिए माइल से चर्चा करके, माइल प्रबंधन से चर्चा करके टैंकर लगा दिया गया है और हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि कल तक जो है पाइपलाइन में जो भी समस्या हो उसको सुधार करके नियमित रूप से सभी वार्ड में पानी की सप्लाई शुरू हो जाए। सर ये समस्या तो करीबन 4 महीने से बताई जा रही है जनता द्वारा, फिर भी इस पे निराकरण नहीं किया गया पंचायत द्वारा।
इसका इसके लिए जो भी दोषी होगा उस पर माने जांच करेंगे कि चार महीना से यदि बंद है तो ये लोग क्या करते रहे। पानी की समस्या सर निरंतर बरवेली पंचायत देखी जा रही है, पर इसका कोई निराकरण मैंने भी अनुरोध किया है कि आए दिन मोटर पंप माने बंद हो जाता है। पर अभी तो ठंड का समय सर, गर्मी में जनता को और दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, नियमित रूप से चलाने का प्रयास किया जाएगा बिल्कुल, और पंचायत को करना पड़ेगा। यदि इस पर कोई भी माने कोताही बरती गई, चाहे वो पंप द्वारा हो, चाहे सचिव द्वारा हो, चाहे सरपंच द्वारा हो, तो उस पर बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।